सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आजादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादिक ग्राम में हुआ था। उनके पिता झबेरा भाई पटेल एक साधारण किसान और माता लाडबाई एक साधारण महिला थी। बचपन से ही पटेल कड़ी मेहनत करते आए थे। बचपन से ही वे परिश्रमी थे। खेती में बचपन से ही पटेल अपने पिता की सहायता करते थे और पेटलाद के हाई स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने 1896 में अपनी हाई स्कूल परीक्षा पास की। स्कूल के दिनों से ही वे होशियार और विद्वान थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उनके पिता ने उन्हें कॉलेज भेजने का निर्णय लिया था, लेकिन वल्लभ भाई ने कॉलेज जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लगभग 3 साल तक वल्लभ भाई घर पर ही थे और कठिन मेहनत करके जिले के नेता की परीक्षा पास करने की तैयारी कर रहे थे, और वह परीक्षा उन्होंने अच्छे गुणों से पास भी की थी। बाद में उन्होंने बड़ी मेहनत से बैरिस्टर की उपाधि संपादन कर ली और साथ ही में देश सेवा में कार्य करने लगे। वल्लभ भाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेताओं में से एक थे और साथ ही भारतीय गणराज्य के संस्थापक जनकों में से एक थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया था और देश को एकता के सूत्र में बांधने में उन्होंने काफी योगदान दिया था। उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने और आजाद बनाने का सपना देखा था। भारत और दूसरी जगहों पर वे सरदार के नाम से भी जाने जाते हैं। नवंबर 1917 में पहली बार गांधी जी से सीधे संपर्क में आए। 1918 में अहमदाबाद जिले में अकाल राहत का बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन किया। अहमदाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड से गुजरात सभा को अच्छी धनराशि मंजूर करवाई, जिससे इन्फ्लुएंजा जैसी महामारी से निपटने के लिए एक स्थायी हॉस्पिटल स्थापित किया। 1918 में ही सरकार द्वारा अकाल प्रभावित खेड़ा जिले में वसूले जा रहे लैंड रेवेन्यू के विरुद्ध नो टैक्स आंदोलन का सफल नेतृत्व कर वसूली को माफ करवाया। गुजरात सभा को 1919 में गुजरात सूबे की कांग्रेस कमेटी में परिवर्तित कर दिया, जिसके सचिव पटेल तथा अध्यक्ष महात्मा गांधी बने। 1920 के असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी खादी धोती कुर्ता और चप्पल अपनाए तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई। अहमदाबाद म्यूनिसिपल चुनाव में सभी ओपन सीटों पर जीत दर्ज की। तिलक स्वराज फंड के लिए 10 लाख रुपए एकत्रित किए। केवल गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 लाख सदस्य बनाए। गांधी से मिलकर गुजरात विद्यापीठ स्थापित करने का निर्णय किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। वे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने। एक वकील के रूप में सरदार पटेल ने कमजोर मुकदमे को सटीकता से प्रस्तुत करके और पुलिस के गवाहों तथा अंग्रेज न्यायाधीशों को चुनौती देकर विशेष स्थान अर्जित किया। 1908 में पटेल की पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। इसके बाद उन्होंने विदुर जीवन व्यतीत किया। वकालत के पेशे में तरक्की करने के लिए कृतसंकल्प पटेल ने मिडल टेंपल के अध्ययन के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की। वहां उन्होंने मनोयोग से अध्ययन किया और अंतिम परीक्षा में उच्च प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण हुए। फरवरी 1913 में भारत लौटकर सरदार पटेल अहमदाबाद में बस गए और तेजी से उन्नति करते हुए अहमदाबाद अधिवक्ता बार में अपराध कानून के अग्रणी बैरिस्टर बन गए। गंभीर और शालीन पटेल अपने उच्च स्तरीय तौर तरीकों और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए जाने जाते थे। वो अहमदाबाद के फैशन परस्त गुजरात क्लब में ब्रिज के चैंपियन होने के कारण भी विख्यात थे। 1917 तक वे भारत की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रहे। सरदार पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल के अंदर बाहर हुए। हालांकि जिस चीज के लिए इतिहासकार हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, वह थी उनकी और जवाहरलाल नेहरू की प्रतिस्पर्धा। सब जानते हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में सरदार पटेल ही गांधी जी के बाद दूसरे सबसे प्रबल दावेदार थे, किंतु मुस्लिमों के प्रति सरदार पटेल की हठधर्मिता की वजह से गांधी जी ने उनसे उनका नाम वापस दिलवा दिया। फरवरी 1945 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी पटेल एक प्रमुख उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार भी गांधी जी के नेहरू प्रेम ने उन्हें अध्यक्ष नहीं बनने दिया। कई इतिहासकार यहां तक मानते हैं कि यदि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने दिया गया होता तो चीन और पाकिस्तान के युद्ध में भारत को पूर्ण विजय मिलती, परंतु गांधी जी के जगजाहिर नेहरू प्रेम ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया।
महात्मा गांधी के प्रति सरदार पटेल की अटूट श्रद्धा थी। गांधी जी की हत्या से कुछ क्षण पहले निजी रूप से उनसे बात करने वाले पटेल अंतिम व्यक्ति थे। उन्होंने सुरक्षा में चूक को गृह मंत्री होने के नाते अपनी गलती माना। उनकी हत्या के सदमे से वे उबर नहीं पाए। गांधी जी की मृत्यु के 2 महीने के भीतर ही पटेल को दिल का दौरा पड़ा था। जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, जबकि सरदार पटेल गुजरात के कृषक समुदाय से ताल्लुक रखते थे। दोनों ही गांधी जी के निकट थे। नेहरू समाजवादी विचारों से प्रेरित थे। पटेल बिजनेस के प्रति नर्म रुख रखने वाले खांटी हिंदू थे। नेहरू से उनके संबंध मधुर थे, लेकिन कई मसलों पर दोनों के मध्य मतभेद भी थे। कश्मीर के मसले पर दोनों के विचार भिन्न थे। कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र को मध्यस्थ बनाने के सवाल पर पटेल ने नेहरू का कड़ा विरोध किया था। कश्मीर समस्या को सरदर्द मानते हुए वे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय आधार पर मामले को निपटाना चाहते थे। इस मसले पर विदेशी हस्तक्षेप के भी खिलाफ थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के चुनाव के 25 वर्ष बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा था, निस्संदेह बेहतर होता यदि नेहरू को विदेश मंत्री तथा सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता। यदि पटेल कुछ दिन और जीवित रहते तो वे प्रधानमंत्री के पद पर अवश्य पहुंचते, जिसके लिए संभवतः वे योग्य पात्र थे। भारत के देशभक्तों में एक अमूल्य रत्न सरदार पटेल को भारत सरकार ने सन 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। 31 अक्टूबर उनकी जयंती पर अपनी भावांजलि के साथ शत शत नमन करते हैं।